डेली करंट अफेयर में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 7 नवंबर की करंट अफेयर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर अच्छी लग रही हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जीके क्यूज बाई सुमेश गोदारा, जहां आपको डेली करंट अफेयर करवाई जाती है। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या हरियाणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। डेली करंट अफेयर में लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं। अब बात करता हूँ आज की करंट अफेयर 7 नवंबर के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एटेक बायजूस ने अपनी एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एटेक बायजूस ने अपनी एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए लियोनेल मेसी को ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाए कि एटेक बायजूस ने लियोनेल मेसी को ग्लोबल एम्बेसडर तो घोषित किया किस पहल के लिए, तो वो पहल भी आपको याद होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का आयोजन साउथ कोरिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है मोहम्मद तेज इकराम को। इससे पहले जो अभी है वो कौन है, नरेंद्र भत्रा, अब नए बन गए हैं मोहम्मद तेज इकराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर अच्छी लग रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी डेली करंट अफेयर अपलोड की जाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बीपीसीएल के नए एमडी और चेयरमैन बने हैं वीआर कृष्ण गुप्ता। बीपीसीएल की फुल फॉर्म क्या है, तो बीपीसीएल की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है परमा क्राइसिस को। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसने चुना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉलिंस डिक्शनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एडवर्ड एम कैनेडी को हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन अवार्ड से किसने सम्मानित किया, तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। अब बात करता हूँ आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता साल 2022 में कौन सा देश करेगा। आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, खाना, जापान या अमेरिका। राइट आंसर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।